अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो लोग न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वैसे इमिग्रेशन के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि तीन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तीनों कंट्रीज़ अच्छे हैं। जो डिफरेंट लोग हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे हैं, कुछ कनाडा मूव करना चाह रहे हैं और कुछ न्यूजीलैंड मूव करना चाह रहे हैं। तो हर एक कंट्री के एक अलग क्राइटेरिया है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में जो कट ऑफ है वो 85, 90, 95, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं कि जिनको 85 पे इनवाइट आता है, कुछ को 90 भी आता है। और इसके अलावा जो है, अगर आप कनाडा की बात करते हैं, CRS 465, 460, तो अभी जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है बहुत टफ हो चुका है। इन 2018 इट वाज वेरी ईजियर टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, नाउ बट नाउ इट इज़ थोड़ा सा ये प्रोसेस टफ हो चुका है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो 2016 में जो कट ऑफ था वो 140 था, लेकिन 2017 में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने जो कट ऑफ पॉइंट्स अपने जो सेट किए हैं वो 160 पे किए हैं। यानी जिस बंदे के 160 पॉइंट्स होंगे तो उसको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड इनवाइट सेट करेगी। चले पहले हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं अपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के लिए। तो अगर आप इस लिंक पे जाते हैं, ये लिंक आपके सामने है और ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूँगा। अब इस लिंक पे जाएं तो आपने सबसे पहले अपनी एज चूज़ करनी है, आपकी एज कितनी है। एज आपकी जो है, लेट्स सपोज अगर 20 से 40 साल है तो इस एज के ड्यूरेशन में आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी एज 40 से 44 है तो आपको 20 पॉइंट्स एज के मिलेंगे। और लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 20 to 39 जो रेंज है इसको चूज़ कर दें तो हमारे 30 पॉइंट्स बन रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि अगर आप न्यूजीलैंड एक ऑनशोर हैं तो आपको वहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो हम लोग कैंडिडेट्स हैं, हम लोग न्यूजीलैंड से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मिडल ईस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको इग्नोर करना है और ये नीचे दूसरा ऑप्शन है, आई हैव बीन ऑफर्ड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड। ये उस केस में क्या, अगर आपको न्यूजीलैंड से जॉब ऑफर आती है, इसको भी इग्नोर करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, एज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में ये है कि आप जब न्यूजीलैंड के लिए प्लान करते हैं इमिग्रेशन का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से अरेंज करके रखनी है। उसमें ये है कि लेट सपोज आपकी जो स्किल असेसमेंट है डिग्री की, वो आपने करवा के रखनी है NZQA से। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो लेट सपोज अगर मैं आपके सामने जाता हूँ, NZQA का एक लिंक है। NZQA जो है, दैट स्टैंड्स फॉर न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक, तो इस लिंक पे आप जाके आपकी जो भी डिग्री एक्सेस करवानी है आपने न्यूजीलैंड से, वो करवा सकते हैं। इस केस में इसका भी मैं लिंक, एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना के वो सेंड करूँगा कि हम लोग कैसे स्किल असेसमेंट करवाते हैं न्यूजीलैंड से। तो अमूमन ये होता है कि जो बैचलर्स हमारा लेवल 7 होता है, बैचलर जो होता है, हमारी जो बैचलर इंजीनियरिंग या BS की जो डिग्री होती है, उसको उसका लेवल 7 हमें दिया जाता है। और जो मास्टर्स होता है उसका कभी लेवल 8 आता है और कभी लेवल 9 आता है, वो डिपेंड्स करता है हमारे नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स। ठीक है, तो अभी हम जो चूज़ करेंगे वो हम लोग बैचलर्स को चूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर बैचलर्स है, आई एम रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, आप लेवल 7 चूज़ करते हैं तो उसके आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से या इंडिया से BTech किया हो, या पाकिस्तान से बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया है किसी भी फील्ड में, तो आपको उसके जो लेवल मिलेगा आपको 7 मिलेगा और जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल 7 आपने चूज़ करना है, ये सबसे पहले आपने स्किल असेसमेंट करवानी है न्यूजीलैंड से। उसका जो अलग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड पेस्ट करूँगा। उस केस में ये है कि आपने NZQA से अपनी स्किल असेसमेंट करनी है और उसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपकी डिग्री फ्रंट और बैक साइड से HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। जो HEC से अटेस्टेड आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट हैं उनको आपने अपलोड करना है वेबसाइट पे, NZQA की वेबसाइट पे, अलॉन्ग विद द फी, और आपने
सबमिट करना है, 40 डेज के अंदर आपको आउटकम आएगा और उनकी एक फाइल आ जाएगी, PDF फाइल, जिसमें वो आपको लेवल 7 या लेवल 8 देंगे। तो मैंने करवाई थी न्यूजीलैंड से, तो मेरा लेवल 7 आया था, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने लेवल 7 चूज़ किया है। इसके कितने 50 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप लेवल 8 या लेवल 9 को चूज़ करेंगे, तो लेवल 8 के 50 पॉइंट्स और लेवल 9 जो है उसके 70 पॉइंट्स। हम लोग चूज़ लेवल 7 करते हैं। ये लेवल 7 के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है, लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द असेसमेंट। इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अराउंड द ग्लोब के, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो कि एग्जेम्प्ट हैं असेसमेंट से। उसमें कुछ इंडिया में हैं, कुछ डिफरेंट यूरोप में, कुछ जर्मनी में, यूके में। सो इसको इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्री असेसमेंट रिजल्ट एंड IQA। ये जो IQA है, ये आपकी डिग्री की असेसमेंट है जो कि आपने NZQA को सबमिट करनी है, और NZQA उस डिग्री को एक्सेस करके आपको एक IQA रिपोर्ट देगा, इसमें लेवल 7 या लेवल 8 लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि आई हैव ए न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन। अगर आपने न्यूजीलैंड में स्टडी की है तो ठीक है, इसको इग्नोर कर। आगे आ जाए वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है, लेट्स सपोज अपनी बात करता हूँ, मेरे 10 मोर ईयर्स हैं, तो यहाँ पे आपने उसको चूज़ करना है, आई हैव स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस 10 ईयर्स आर मोर, जिसके आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा दैट शुड बी जेन्युइन। अगर आपने किसी भी अपने रेलिवेंट कंट्री से एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी एक्सपीरियंस आप क्लेम करेंगे, आपके पास उस एक्सपीरियंस के तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, कंपनी ID कार्ड, जॉब ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स, टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड टू द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड बिफोर ग्रांटिंग द वीज़ा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना इसको इग्नोर कर दें। अब जो आपका प्रोफेशनल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब उसके आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा। कैसे, कि न्यूजीलैंड की जो स्किल्स लिस्ट है, MLT SSL एक लिस्ट होती है, ऑक्यूपेशन लिस्ट, उस लिस्ट में अगर आपका ऑक्यूपेशन अवेलेबल है तो आपको उसके पॉइंट मिलेंगे। लेट सपोज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का था, मैंने 10 चूज़ किया, और यहाँ पे अगर आप बोनस पॉइंट में जाते हैं तो मेरे पास एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का था, यानी 6 साल से ऊपर का, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, इसके 15 पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आप आ जाएं, तो इसमें आपके पास ये है, ये MLT SSL की लिस्ट है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस लिस्ट को अगर आप ओपन करते हैं, MLT SSL, इस लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अगर इस लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन है तो फिर आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट है हमारे पास, इसको ओपन करते हैं अभी, तो ये सारे ऑक्यूपेशन इसमें लिस्टेड हैं, तमाम ऑक्यूपेशन। अगर हम टेलीकॉम की बात करें, ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर, अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिस्टेड है तो फिर आप भी जो है बोनस पॉइंट लेने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आप आए माय पार्टनर्स क्वालिफिकेशन। माय पार्टनर क्वालिफिकेशन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप चूज़ करते हैं माय पार्टनर वर्किंग स्किल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन, तो इसको इग्नोर कर दें क्योंकि पार्टनर जो है उनको ना कोई जॉब ऑफर न्यूजीलैंड से मिला है ना वो काम कर रहे हैं। यहाँ आ जाएं, अगर आपने पार्टनर की जो स्किल असेसमेंट है वो करवाई है और उनका लेवल 8 या लेवल 9 आया है तो उसको आप, उसके लिए आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। लेवल 7 के 10 पॉइंट हैं और लेवल 8, 9 और 10 के 20 पॉइंट हैं। अच्छा, अभी टोटल जो पॉइंट्स बन रहे हैं 165 बन रहे हैं, तो 165 पॉइंट्स वाला कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है न्यूजीलैंड के लिए, और 160 और 165 पे इनवाइट आ जाता है जब आप EOI सबमिट करते हैं। तो एक चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट हैं IELTS के हवाले से, कि जो मेन एप्लीकेंट होगा उसके लिए न्यूजीलैंड के लिए जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल चाहिए। आई थिंक nowadays they have raised this IELTS रिक्वायरमेंट, और आजकल जो करंट रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 7 की है, चाहे वो GT में हो चाहे वो एकेडमिक में हो। जो स्पाउस के लिए रिक्वायरमेंट है वो 5.5 की आई थिंक। तो ये है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तमाम स्टेप्स। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड से होनी चाहिए।
इसके लिए इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड को, तो आपने क्या करना है, अगर आपने पाकिस्तानी इंजीनियरिंग प्रोसेस से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है एंड यू हैव द मेंबरशिप, वैलिड मेंबरशिप ऑफ PEC, नंबर वन. नंबर टू, अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री की भी इंजीनियरिंग की मेंबरशिप आपके पास है. और नंबर थ्री, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट करवाई है अपनी, आइदर ACS ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी या इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से, तो वो जो असेसमेंट होगी आपकी इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया की, उस असेसमेंट की रिपोर्ट और PEC का कार्ड और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप इस लिंक पर ईमेल करते हैं hello@engineeringnewzealand.com पे along with all required documents, तो इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड क्या करेगी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करके आपको मेंबरशिप नंबर अलॉट कर देगी न्यूजीलैंड के लिए. ठीक है, तो ये तमाम स्टेप्स हैं और प्रोसीजर्स हैं. आई होप के आपके लिए यूज़फुल होगा. नेक्स्ट, जो भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं या आप जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर सकते हैं. तो मेरे एंड से जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा. आप इसके अलावा जो है सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट करूँगा, उसमें आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड से आपने कैसे जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है. थैंक यू.